देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या उनकी स्वयं की बेरोजगारी है। वो स्वयं को जो बेरोजगार महसूस कर रहे हैं लगातार, वो उनकी पीड़ा है। और जिस प्रकार से आप जिस विषय की बात कर रहे हो, वो निश्चित तौर पर गलत है। और इस प्रकार से देश की संसद, वह देश के 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र का मंदिर है। मंदिर को अपवित्र करने का कोई किसी के पास कारण नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुत सारे तरीके हैं किसी को भी अपने बात को कहने के। निश्चित तौर पर इसका जो भी समर्थन करता है, तो वो लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करने का, अवमानना करने का काम करता है। सर, बात करें हरियाणा की जेजेपी, जो आपकी सहयोगी पार्टी, क्या इस बार जो वो सहयोगी के तौर पर काम करेगी या उससे पीछा छुड़वाएगी बीजेपी? सरकार में उनका सहयोग मिल रहा है, विधानसभा में उनका समर्थन के कारण सरकार का बहुमत है। 2019 में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो बैसाखियों की जरूरत पड़ी और उन्होंने वो सहयोग दिया। सरकार में साझेदार हुए, सरकार में काफ़ी बड़े महकमों में उनकी साझेदारी है, तो सरकार के वो साझेदार हैं। 2024 के अक्टूबर तक का कार्यकाल है और तब तक वो साझेदार हैं। सर, आज अपने इशारे इशारे में काफ़ी बातें कहीं, तो वो इशारे किस ओर थे? इस ओर भी थे, तो बीच पीछे भी हैं वो, आगे वो क्या कहेंगे उनके इशारों में? क्या हिंदुस्तान और हरियाणा प्रदेश में जहाँ जहाँ परिवारवाद होगा, जहाँ जहाँ भाई भतीजावाद होगा, जहाँ जहाँ जातिवाद और क्षेत्रवाद होगा, जहाँ जहाँ परिवारों की गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और तानाशाही चलेंगी, हम उनका विरोध करते रहेंगे। हम ता जिंदगी उसका विरोध करते रहेंगे। और देश में सच्चे लोकतंत्र को बनाने के लिए परिवारवाद, जातवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इसको जड़ मूल से नष्ट करना बहुत जरूरी है। सर, बीजेपी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो अपने मुख्यमंत्री तय कर चुके हैं, 4 उप मुख्यमंत्रियों तक की घोषणा कर चुके हैं, तो क्या मानते कि ऐसे में बीजेपी की नैया पार होगी इसमें? कांग्रेस का वही हाल होगा कि 2 साल पहले उन्होंने 1 प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना लिए थे। पहले से ही 5 अध्यक्ष चल रहे हैं और उन 5 अध्यक्षों से आगे आज तक कांग्रेस का जिला का संगठन भी नहीं बन पाया है। तो जैसे उनके 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष के बाद उनकी दुर्गति चल रही है, तो वो सरकार भी उनकी इसी प्रकार की कपोल कल्पना है, मुंगेरी लाल के सपने हैं कि 1 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री की जो बातें हैं, उससे ही एक स्पष्ट बात आ जाती है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने मान लिया कि 1 मुख्यमंत्री के नाम से उनकी सरकार लोग नहीं बनाना चाहते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनकी हार हो रही है, इसलिए उनको 4-4 उप मुख्यमंत्री की बातें करनी पड़ रही हैं। और आखिर में ऐसी स्थिति आएगी कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, वो कहेंगे सबको मुख्यमंत्री बना देंगे, कांग्रेस की सरकार बना दो। परिवार पहचान पत्र, आम आदमी पार्टी भी जो है परिवर्तन यात्रा की हुई है, वो कह रहे कि हरियाणा में इस बार बड़ा परिवर्तन होगा, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से यात्रा शुरू की है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको अपना प्रयास करने का अधिकार है। दिल्ली में, पंजाब में उनको सरकार मिली है, वहाँ की सरकारी ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। और जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी के सारे नेता, वह भ्रष्टाचार के कारण से, वह कानून के शिकंजे में जेलों की हवा खा रहे हैं, वह आम आदमी के नाम पर बनी हुई पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री वह आलीशान महल बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, वह आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भगवंत मान जी की मुख्यमंत्री का काफिला 100-100 गाड़ियों का जब चलता है, तो जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करती है कि ये कैसा आम आदमी है, ये कैसे आम आदमी पार्टी है, ये कैसे आम आदमी पार्टी के संस्कार, ऐसे देख करके तो उन्होंने, ऐसी सोच करके तो वोट नहीं दिए थे। तो वह आम आदमी पार्टी हरियाणा में यात्रा करने से पहले हमारा हाथ जोड़कर उनसे विनती और प्रार्थना है कि वो SYL का निर्माण करा करके, रावी ब्यास का हरियाणा के जो हक का पानी है, वो कृपा करके हरियाणा की प्यासी माटी की प्यास को बुझाएं, हरियाणा के हर जन जन और पशु भी जिनको पानी की आवश्यकता है, उनकी प्यास को बुझाने में हमारा सहयोग दें।